गाइज, अगर आपका ब्रा फैट बहुत ज्यादा है, आर्मपिट फैट बहुत ज्यादा है, या फिर आपके शोल्डर पे बहुत ज्यादा फैट आ चुका है, तो डेफिनेटली आज आपको मेरी इन एक्सरसाइजेस को जरूर फॉलो करना चाहिए। सिर्फ 4 एक्सरसाइज बताऊंगी, बहुत ईजी है, बिना किसी इक्विपमेंट के घर के थोड़े से स्पेस में आपने इनको फॉलो करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करेगा कि इस एक्सरसाइज को कब करें। बहुत सारे लोगों के माइंड में मिथ होता है कि मॉर्निंग में करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मॉर्निंग करें, इवनिंग करें, आफ्टरनून करें, जब आपको टाइम है। डेली एटलीस्ट अपने शरीर के लिए 10 से 15 मिनट रोजाना निकालने चाहिए, क्योंकि आज आपके रोजाना के 10 से 15 मिनट आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि आप अर्न कर रहे हैं, किस लिए अर्न कर रहे हैं? आप एक दिन जब बीमार पड़ेंगे तो आपकी सारी अर्निंग बीमारी में चली जाएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको डेली वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको फिट रहना है, पतले होना है, ऐसा नहीं। वर्कआउट करने से क्या बेनिफिट मिलता है? बेसिकली आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का जो है सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, बीमारियों से दूर रहती है, आपकी इम्यूनिटी बेसिकली बिल्डअप होती है, राइट? तो चलिए, आज का जो हम वर्कआउट करने वाले हैं, बेसिकली वो आपकी पूरी अपर बॉडी को ट्रेन करेगा। तो मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। एक्सरसाइज के लिए आपको उस तरीके से अपने आर्म्स को रोटेट करना है, मतलब फैला लेना है, देन अप करना है, देन वापस एंड देन बैक। ठीक है, बैक में आपको क्लैप करना है। पहले आपको ओपन करना है, क्लैप करना है, देन साइड पे, देन बैक। इस तरीके से हम करेंगे इसको 20 टाइम्स। रिलैक्स। तो इसको हम करेंगे 20 टाइम्स, इसके हम करेंगे 3 सेट। जब आप इसको करेंगे तो 20 टाइम्स करने के बाद ही आपको फील आएगा कि आपको पूरा यहाँ पे जो है आपको मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, और यही कॉन्ट्रैक्शन आपके बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, और स्लाइटली से आपको पेन भी होगा, लेकिन उस पेन से घबराना नहीं है। 20 सेकेंड्स के बाद रेस्ट लेना है, 20 सेकेंड्स का या फिर 30 सेकेंड्स का, नॉट मोर देन, और देन उसके बाद से हमें बाकी के सेट्स कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसमें आपने इस तरीके से अपनी आर्म्स को करना है ओपन अप देन डाउन। ठीक है, ये वाला हम पोजिशन लेंगे प्रॉपर, जैसे W क्रिएट करते हैं लाइक दिस, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 20 टाइम्स, 2 सेट। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको मैट पे लेट जाना है चेस्ट के बल। ठीक है, उसके बाद में आपने अपने आर्म्स को स्ट्रेट लेके जाना है, देन बैक लेकर आना है। किस तरीके से देख लीजिए। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को जो आपने भी देखा, इसको हमने करना है 20 टाइम्स, और इसके करने हैं हमने 2 सेट। हर एक्सरसाइज के बाद आपको 20-30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है, दोबारा से इसको रीपरफॉर्म करना है। अल्टीमेट रिजल्ट देगा आपके अपर बॉडी पे। तीनों की तीनों एक्सरसाइज आपने करनी है। टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं, ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पेन होगा, अनकम्फर्टेबल फील होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों हैंड्स को मैट पे इस तरीके से प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद में आपने डाउन जाना है, देन अपनी बॉडी को आगे लेकर जाना है। कंफ्यूज मत होइए, देख लीजिए।
ओके रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसी कुछ रोजाना यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैप करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स भी आते हैं जिसमें कि म्यूजिक पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टेप बाय स्टेप्स कि कैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो आप ऑलरेडी इस लेंथ वाली वीडियो को मेरा देख ही रहे हैं। दोनों पे आप मुझे रिस्पॉन्स किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, या आपको ये बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है तो आपको पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए एक्सरसाइज चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दें, आई इशरा मेहरा। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। गुड लक।